गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, समाकलन आखिर है क्या। आज हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि समाकलन है क्या। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है, समाकलन जो है, वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक मेथड है। वैसे ही इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक मेथड है। उसमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अवकलन करने के बाद हमें अवकलज प्राप्त होता था, डेरिवेटिव प्राप्त होता था। वैसे ही किसी भी फंक्शन का समाकलन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें इंटीग्रल, समाकल प्राप्त होता है। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें इंटीग्रल, समाकल प्राप्त होता है। और इसमें डिफरेंशिएशन का जो चिन्ह होता था, साइन होता था, वो क्या होता था, डी बाई डी एक्स। वैसे ही समाकलन का चिन्ह क्या होता है, इस तरीके का चिन्ह होता है इंटीग्रेशन, डी बाई डी एक्स। ये किसका चिन्ह होता था, अवकलन का। वैसे इस तरीके से एक यस का मॉडल का बन जाता है, जैसे यस बनता है वैसे यस बन जाता है, यस को ऊपर और नीचे से खींच दिया जाता है, यह बन जाता है। तो यह किस चीज का साइन है, इंटीग्रेशन का। और यहां पर ये जैसे डिफरेंशिएशन किया जाता तो किसी ना किसी टर्म, किसी ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता था। मतलब यहां डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। वैसे इंटीग्रेशन भी किसी ना किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा तो यहां डिवाइड में एक्स आता है और यहां पर मल्टीप्लाई में डी एक्स आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, या मान लीजिए वाई है तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे ही हम लोग यहां पर वाई का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई एक फंक्शन है, एक्स का फंक्शन होगा, उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा और समझें तो इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आता है, एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो हम लोग लिख देते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आ गया। ये तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ गया, एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किए एक्स के रिस्पेक्ट में तो एफ डैश एक्स आ गया। ये क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस। अब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इंटीग्रेशन है क्या, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये प्राप्त हो गया, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि यह रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स प्रोसेस है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किसका, एफ डैश एक्स का। जैसे यहां एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया तो वैसे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू जो हमें प्राप्त होगा, भाई रिवर्स प्रोसेस है तो इसका अगर डिफरेंशिएशन किए तो ये मिला, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। क्लियर। बस यहां पर एक चीज हम लोगों को याद रखना होता है, यहां पर एक चीज ये याद रखना होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी होता, एफ एक्स प्लस सी कोई कांस्टेंट, ये इस तरीके से फंक्शन है एफ एक्स प्लस सी, तो इसका जब हम लोग करते हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। और कांस्टेंट सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। कोई भी कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो, जीरो हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, एफ डैश एक्स। तो वैसे ही जब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या आ जाता है, एफ एक्स। लेकिन सी कांस्टेंट गायब हो गया, इतने का इंटीग्रेशन किया एफ एक्स तो आ गया लेकिन सी गायब हो जाता है, तो सी कांस्टेंट नंबर
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल जो कांस्टेंट नंबर है वो नंबर क्या था हम पता नहीं लगा पाते हैं, कि दो था कि चार था कि दस था बीस था कितना था, उस वैल्यू का पता नहीं लगा पाते हैं। तो इस वजह से हम उस वैल्यू को लिख देते हैं सी। उस वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं सी, कि कोई भी एक कांस्टेंट रहा होगा, इस कांस्टेंट का पता लगाया जाता है, लेकिन वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जहां पर लिमिट लगाते हैं इंटीग्रेशन का, वहां पर अगर हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी कितना है। यहां से ये प्रोसेस हुआ। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग और देखें तो एक समझने के लिए, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टेन एक्स प्राप्त हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स प्राप्त हो जाएगा। जैसे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वन अपान एक्स होता है। वैसे ही जब वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें लॉग एक्स प्राप्त हो जाएगा। ये चीजें हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर। अब ये तो हुआ मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हमें इंटीग्रेशन को समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम ये समझना चाहें कि इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन आया कैसे, जनरेट कैसे हुआ, इस चीज को समझना हो तो हम कैसे समझेंगे इस चीज को, चलिए हम लोग समझते हैं। इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं, या कि चलिए अभी यहां पर हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक मेथड है जिस मेथड से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन इज ए मेथड विद व्हिच वी कैन फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व। कोई भी कर्व है या कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर की एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एरिया को हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने से हमें मिलता क्या है, इस चीज को भी चलिए हम लोग समझते हैं। और वैसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जमा करना, कोई भी चीज जमा करना, कोई भी चीज इकट्ठा करना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम मूवी डाउनलोड करते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या है कि कोई भी मूवी हमने डाउनलोडिंग में लगा दिया तो उसमें देखा कि स्टार्टिंग के 5 सेकंड के अंदर कितना एमबी डाउनलोड हो गया, अगले 5 सेकंड में कितना एमबी डाउनलोड हो गया, अगले 5 एमबी में कितना एमबी डाउनलोड हो गया, तो 5 5 5 एमबी इस तरह 5 5 सेकंड का अंतर पर हमने देखा कि कितने कितने एमबी डाउनलोड हो गया, और लास्ट में क्या हो रहा है, सबका सब डाउनलोड होकर के इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो सेम यही प्रोसेस है इंटीग्रेशन का भी। अब इसकी मीनिंग हम लोग समझते हैं, मतलब क्या है इंटीग्रेशन का यहां से, कि छोटे छोटे 5 5 सेकंड का इंटरवल में हम लोग देख रहे थे कितने एमबी डाउनलोड हुआ, और जितना भी डाउनलोड हो रहा था वो सब इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा था। मतलब कि एक छोटा छोटा पार्ट, एक छोटा छोटा स्मॉल पार्ट ले लेकर के हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं या जोड़ते जाते हैं। तो इस इकट्ठा करने की या छोटे छोटे पार्ट को जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। चलिए इंटीग्रेशन से हम लोगों ने हमने बताया कि क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन की प्रोसेस से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, और एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। तो एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ बनाते हैं स्पीड, स्पीड और टाइम के बीच का, स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ बनाते हैं। स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ मान लीजिए कि ये आ गया। अब ये स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ आ गया, अगर हम इसमें, अगर हम इसकी अंडर एरिया निकालें, अगर ये वाली एरिया निकालें तो ये एरिया क्या मिलेगा, ये है क्या, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है। मतलब इसमें इस रेक्टेंगल की एरिया निकालना तो हमें लेंथ इनटू विड्थ करना होगा। लेंथ क्या है, ये क्या है टाइम, और ये क्या है विड्थ, विड्थ ये स्पीड। मींस स्पीड, इस टाइम को और स्पीड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी एरिया निकलेगी। तो एरिया निकलेगी तो एरिया क्या आएगी, मींस स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, डिस्टेंस आता है। क्या आता है, डिस्टेंस आता है, ये आ जाएगा डिस्टेंस।
डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो जाए, मतलब स्पीड और टाइम के बीच का हमें ग्राफ दिया गया हो, अगर हम उस ग्राफ के अंदर की एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही हम लोग अगर इस तरीके से हमारा ग्राफ मिल जाएगा, और मतलब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम एरिया निकाल लेंगे, और अगर यही चीज ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, डिस्टेंस, डिस्टेंस और फोर्स, डिस्टेंस और फोर्स के बीच का अगर ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस और फोर्स के बीच का अगर ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर हम ये एरिया, डिस्टेंस और फोर्स के बीच का ग्राफ ये दिया हुआ है, अगर हम ये एरिया निकाल लें तब हमें क्या मिल जाएगा, ये एरिया निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, ये एरिया हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि हम एरिया निकालेंगे कैसे। अगर हम देखें तो ये एक स्क्वायर दिख रहा है, एक स्क्वायर एक वर्ग दिख रहा है, और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है, या वही चीज रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो हम इसकी एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस एरिया को हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो यहां पर देखिए ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, फोर्स और डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्ग, हमें वर्क मिलता है। मीन्स ये एरिया जब हम निकाल लेंगे फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। मीन्स फोर्स और डिस्टेंस के बीच का अगर हमें ग्राफ दिया हो तो हम उस ग्राफ के अंडर की एरिया निकाल लें, एरिया निकाल लेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा कि वर्क कितना हुआ है। क्लियर? मीन्स एरिया निकाल लेने से, इस कर्व के अंदर की एरिया निकाल लेने से हमें कोई ना कोई क्वांटिटी मिल जा रही है। अब मीन्स एरिया मिल जा रहा है, लेकिन यहां पर एरिया फाइंड आउट करना बड़ा आसान है, क्योंकि हमारा ग्राफ, क्योंकि क्या है कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, यहां स्पीड कांस्टेंट है, ये यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो क्या बन रहा है कि स्क्वायर या तो बन जा रहा है या तो रेक्टेंगल बन जा रहा है। एरिया फाइंड आउट करना बड़ा आसान है, लेकिन ये यहां पर तो आसान है लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में स्पीड वेरिएबल होती है, चेंज होती है। क्या ऐसा कभी संभव है कि आप अपने घर से कहीं किसी स्थान पर गए और वहां से वापस चले आए, आपकी स्पीड चेंज नहीं हुई? आपकी स्पीड कहीं पर बढ़ेगी, कहीं पर अधिकतम होगी, कहीं पर मिनिमम होगी, कहीं पर घटेगी, तो आपकी स्पीड कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। मीन्स वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, और जब वेरिएबल स्पीड है तो ग्राफ सेम तो आएगा नहीं। तो ग्राफ मान लो एक सेकंड के लिए टाइम कि आपकी जो वो है स्पीड है, स्पीड है, अब स्पीड वो बढ़ रही है, स्पीड अगर बढ़ रही है तो ग्राफ कैसे मिलेगा, कुछ ग्राफ इस तरीके से होगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये होगा। टाइम इंटरवल अगर हम डिसाइड कर लें कि यहां से यहां तक टाइम इंटरवल हमें इस टाइम से इस टाइम तक लेना है, अगर हमें ये एरिया निकालना हो, अब यहां पर हमें निकालना हो कितना डिस्टेंस गए हैं, तो डिस्टेंस इस टाइम से इस टाइम के बीच में हम कितनी डिस्टेंस कवर किए निकालना हो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन वो एरिया हम यहां से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, इसको मिटा दूं अब, ठीक। एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये चीज हम लोगों को समझना है। अब एरिया निकालने के लिए, अब ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में जब एरिया को हमें निकालना होता है तो एरिया को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, ये वाला एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल। इसमें क्या करेंगे, ये मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है और ये वाला फंक्शन टी है, टाइम है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली ये कितना होगा, ये इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर, ये यहां पर एफ एक्स चाहे कर दो चाहे एफ टी कर दो, जब ये टी है तो इसको एफ टी कर दो, सम टाइम के रिस्पेक्ट का ये ग्राफ होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर इस फंक्शन में टी की वैल्यू, ये टी की वैल्यू हमें पता होगी, टी की वैल्यू रख देंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, मतलब ये लंबाई मिल जाएगी हमें, इंटू चौड़ाई डिस्टेंस, डिस्टेंस हम ये निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये एरिया मिल जाएगी। और दूसरा क्या मिल जाएगा, दूसरा हम लोगों का ये भी लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे, लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे तो ये वाली भी एरिया मिल जाएगी, लेकिन ये साइडेड रीजन क्या होगा, साइडेड रीजन बच जाएगा।
दो पार्ट में डिवाइड कर देने से वो साइडेड रीजन जो है वो क्या हो रहा है, बच जा रहा है, साइडेड रीजन बच जा रहा है। और अगर यहां पर और थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहां से भी अगर कर दोगे, इस पॉइंट पर हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ये एरिया तो निकल आएगी, ये एरिया तो निकल आएगी, लेकिन ये वाली एरिया, ऊपर वाली एरिया क्या होगी, बच जाएगी, ये वाली एरिया बच जाएगी। अब यहां से दो पार्ट में डिवाइड करने से वैसे अगर निकालते, वैसे हम निकालते तो इतनी एरिया आती, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड करने से ये एरिया और ये वाली भी एरिया निकल आई, लेकिन ये वाली एरिया बच गई। ये वाली एरिया क्या हो गई, बच गई। क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकली एरिया की? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड कर देने से एरिया की जो क्वांटिटी थी वो कुछ ना कुछ बढ़ गई, मतलब कुछ ना कुछ एक्यूरेसी और बढ़ गई। अगर हम यहां पर इसी एरिया को दो पार्ट में डिवाइड ना करके अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करें तब क्या हो जाएगा? अगर हम इसी एरिया को तीन पार्ट में डिवाइड करें, एक ये और एक ये और एक ये, तीन पार्ट में डिवाइड करें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो पहले वाले में ये इतनी एरिया बच जाएगी, नहीं निकल पाएगा, दूसरे वाले में ये एरिया बच जाएगी, तीसरे वाले में ये एरिया बच जाएगी। तीन सेक्शन में अगर हम डिवाइड करें, तीन सेक्शन में डिवाइड करने से हम देख रहे हैं कि जो एरिया बच रही है, शेष जो एरिया बच रही है, वो एरिया की क्वांटिटी और कम हो गई। मतलब जो एरिया निकलने वाली थी, जो एरिया निकल रही है उसकी एक्यूरेसी और बढ़ गई। हमें तो लेकिन पूरी एरिया निकालना है, पूरी एरिया निकालना है, और इस एरिया को निकालने के लिए अगर हम कई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, दो के बजाय तीन सेक्शन में, चार सेक्शन में, पांच सेक्शन में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये एक्यूरेसी और बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम 100 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे तो और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हमें पूरी एरिया अगर हमें निकालना है तो इनफाइनाइट मेनी सेक्शन में डिवाइड करना होगा, इनफाइनाइट सेक्शन में डिवाइड करना होगा। तो थ्योरेटिकल और इनफाइनाइट सेक्शन में डिवाइड करने के बाद क्या करना होगा, सभी इनफाइनाइट मेनी सेक्शंस की एरिया को निकाल निकाल करके सबको ऐड करना होगा, सबको जोड़ना होगा, तब इस कर्व के अंडर की पूरी एरिया आ जाएगी। तो यहां पर थ्योरेटिकली कहने में और समझाने में बड़ा आसान है कि इनफाइनाइट मेनी सेक्शन में डिवाइड करो, इनफाइनाइट मेनी सेक्शन में डिवाइड करके सबको सम कर दो, जोड़ दो, और आपकी पूरी एरिया फाइंड आउट हो जाए। लेकिन इनफाइनाइट मेनी सेक्शन में प्रैक्टिकली डिवाइड करना और उसके बाद सबको ऐड करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड आया, और जब एक शॉर्टकट मेथड जो आया, उसी शॉर्टकट मेथड को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब वो शॉर्टकट मेथड क्या है, अब चलिए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये इस तरीके का ग्राफ है, मान लीजिए कि ये ग्राफ एफ एक्स है और ये वाला ग्राफ एक्स है, इस तरीके का ग्राफ है। यहां पर ये वाला इंटरवल ले लिया गया, ये इंटरवल ले लिया गया एक्स। अब यहां पर इसकी एरिया मान लीजिए, इसकी जो एरिया अंडर द कर्व आई वो है ए एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स, ये एरिया ए एक्स आ गई। अगर हम इस एक्स को थोड़ा सा और बढ़ा दें, मान लीजिए डेल्टा एक्स कर दें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहां तक तो एक्स था, अगर थोड़ा सा हम और बढ़ा दें तो ये डेल्टा एक्स, ये इतना, ये इतना। तो जब एरिया ये बढ़ जाएगा, एक्स बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, एरिया भी बढ़ जाएगी और ये इतनी एरिया बढ़ जाएगी। इस एरिया को हम ले रहे हैं डेल्टा ए, इस एरिया को हमने क्या ले लिया, डेल्टा ए, क्लियर। अब ये एरिया आ गई डेल्टा ए। अब हम लोग यहां से डेल्टा एक्स चेंज किए एक्स में, एक्स में डेल्टा एक्स चेंज हुआ तो एरिया में भी डेल्टा ए का चेंज हो गया। अच्छा, ये चीज इस पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा, मींस यहां पर निकालना होगा, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहां पर वैल्यू निकालना होगा तो एक्स की वैल्यू ये वाली रख देंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये अगर हमें लंबाई निकालना हो या चौड़ाई निकालना हो, तो ये लंबाई निकालना हो तो एफ एक्स की वैल्यू हम रख देंगे, और चौड़ाई अगर देखेंगे तो कितनी है, भाई ये एक रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल के एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो लेंथ अगर हमें निकालना होगा तो किसके बराबर आ जाएगी, एफ एक्स की, एक्स की वैल्यू हम यहां पर जो भी वैल्यू होगी एक्स की उसको हम रख देंगे, और चौड़ाई अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स। अब उसके बाद में अगर यहां से हम निकालें कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, डेरिवेटिव मतलब ये इसकी जो एरिया है उस एरिया का हम डेरिवेटिव निकालें तो निकलता क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स,
एक्स का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आता है? डेरिवेटिव निकालते हैं तो डी ए एक्स या डी ए बाई डी एक्स ये होता है डेरिवेटिव, डी ए बाई डी एक्स ये होता है डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, ए एक्स का एरिया का डेरिवेटिव ये आ गया। अब इस चीज को हम लोग डेरिवेटिव को पढ़ चुके हैं, उसमें जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तब हम लोग डेरिवेटिव को पढ़े थे, और डेरिवेटिव को लिखा क्या जाता है, लिमिट डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो इंटू डेल्टा ए अपान ए, डेल्टा ए अपान एक्स, डेल्टा ए अपान डेल्टा एक्स, ये होता है डेरिवेटिव, कि मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू टेंड्स टू जीरो होना चाहिए और ये डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी वही एरिया हो जाएगी, एरिया का डेरिवेटिव हो जाए। अब यहां से अगर हम लोग लिखें तो यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो और डेल्टा ए, डेल्टा ए क्या है, एरिया, एरिया क्या होगी, एरिया क्या होगी, डेल्टा ए क्या है, एरिया, और एरिया होगी क्या, एरिया होगी क्या चीज, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ कितना होगा, यहां पर लेंथ कितनी होगी एफ एक्स, विड्थ कितनी होगी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यहां पर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या होगा, चेंज हो, डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो मीन डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, बस टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो है, और यहां डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। मतलब यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, मतलब ए एक्स का डेरिवेटिव, मतलब ए एक्स का डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश एक्स, ए डैश एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के, क्लियर। इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश एक्स, भाई ए का डिफरेंशिएशन ही तो है, तो ए डैश एक्स, ए डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स, ये आ गया, बस यही तो शॉर्टकट है, क्लियर। अब यहां से आप सोच रहे होंगे ये शॉर्टकट कैसे है, ये शॉर्टकट कैसे है, ये चीज हम लोगों ने सोचा 17th century में, 17वीं शताब्दी में यह चीज सोचा गया कि ये एरिया जब इस तरीके से नहीं निकल पा रहा है तो इसका शॉर्टकट कुछ अपनाया जाए। तो उस शॉर्टकट में देखा गया, डिफरेंशिएशन लगा करके डेरिवेटिव निकाला गया एरिया का, जब डेरिवेटिव निकाला गया तो एरिया का डेरिवेटिव निकालने के बाद देखा गया कि एक फंक्शन आ गया, तब यहां से ये सोचा गया कि अब यहां से सोचिए जरा सा कि ए डैश एक्स मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन करने के बाद फंक्शन आ जा रहा है, क्लियर। अब इस एरिया का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आ जा रहा है, तो इस जो डिफरेंशिएशन करने के बाद फंक्शन आ रहा है, अब इस डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कुछ लगाते हैं, कुछ प्रोसेस लगाते हैं, कौन सी प्रोसेस है उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर ये सोचा गया कि एरिया का डिफरेंशिएशन करने के बाद तो फंक्शन आ गया, अब इसका अगर रिवर्स प्रोसेस, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एरिया का कुछ, एरिया का जो डेरिवेटिव है, इस एरिया के डेरिवेटिव को के ऊपर कुछ रिवर्स प्रोसेस लगाया जाए, रिवर्स प्रोसेस लगाया जाए तो हमारा क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगी, एरिया निकल आएगी, मतलब इस ए डैश एक्स एरिया का डेरिवेटिव जो है इसके ऊपर कुछ रिवर्स प्रोसेस लगाया जाए, कुछ ऐसा प्रोसेस लगाया जाए जिससे ये एरिया निकल आए। मतलब डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव किया गया है, डिफरेंशिएशन करने के बाद ए डैश एक्स आया है, अब इसका रिवर्स प्रोसेस लगा दें तो क्या मिल जाए, ए एक्स मिल जाए। तो रिवर्स प्रोसेस करने के बाद डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव करने पर ए डैश एक्स आया, अब इसका रिवर्स प्रोसेस लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगी। मतलब यहां से अगर रिवर्स प्रोसेस हम लोग, उसके बाद में रिवर्स प्रोसेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन से, हमने अभी बता चुके हैं। तो जो रिवर्स प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इस डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कीजिए, यहां से रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए डैश एक्स, मतलब जैसे है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों टर्म, दोनों पक्ष का करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि ए डैश एक्स का जब इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर देते तो क्या मिल जाता था, एफ एक्स मिल जाता था, वैसे ए डैश एक्स का जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स मिल जाएगा, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। मतलब अगर एफ, अब यहां से क्या हो गया कि जो जिस फंक्शन के अंडर की एरिया निकालना है उस एरिया, उस फंक्शन का, उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए, अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो हमें उस कर्व के अंदर की एरिया मिल जाएगी,
और एरिया निकालने के लिए ही हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। क्लियर? मतलब इंटीग्रेशन, अगर कोई भी कर्व है उस कर्व के अंदर का एरिया हमें निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मीन्स जो फंक्शन दिया हुआ उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो तो हमें एरिया मिल जाएगा। क्लियर? और एरिया, ये इंटीग्रेशन है, एरिया फाइंड आउट हो गया। एरिया आया कैसे, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे स्मॉल इनफाइनाइट मेनी पार्ट में स्मॉल एलिमेंट को सबको क्या किया गया, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट की एरिया निकाल करके सबको ऐड किया गया, जोड़ा गया, सम किया गया। और सम है, सम एस से स्टार्ट होता है और उस एस को ही ऊपर और नीचे से खींच दिया जाता है तो ये क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन। वहीं से ये सिंबल आ गया, यस, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? समझ गए आप लोग कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो उसके अंदर की एरिया हमें मिल जाती है। क्लियर? अब हम लोग अभी देख ही चुके हैं, यहां से भी देख चुके, उसके पहले भी देख चुके थे कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। तो फार्मूला भी क्या होगा, जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा उसका रिवर्स, जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा उसका रिवर्स जो होगा, उसका उल्टा जो होगा वही इंटीग्रेशन का फार्मूला हो जाएगा। इंटीग्रेशन के फार्मूले का डेरिवेशन या और कुछ कहीं से कुछ नहीं होता, डायरेक्ट ये देखा जाता है जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है उसका रिवर्स प्रोसेस लगा दो वही इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाता है। चलिए अभी हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला, जो भी फार्मूले हैं बेसिक फार्मूले, उस सभी फार्मूलों को हम लोग यहां पर देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखेंगे, उसका रिवर्स प्रोसेस लगाएंगे, अपने आप इंटीग्रेशन का फार्मूला जनरेट हो जाएगा। क्लियर? आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग फार्मूला देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला, रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से रिलेटेड बेसिक फार्मूले देखेंगे। और लेकिन इंटीग्रेशन से रिलेटेड बेसिक फार्मूला देखने से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखेंगे, डिफरेंशिएशन के फार्मूले से हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाएंगे। तो डिफरेंशिएशन का अगर एक फार्मूला देखा जाए तो सबसे बेसिक फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। लेकिन अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और यहां पर यह कह दूं कि एन का, एन के स्थान पर अगर एन प्लस वन हो जाए तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन आगे आ जाएगा, एन प्लस वन आगे आ जाएगा और एन प्लस वन में से एक कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, यह हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ऐसे ही डी बाई डी एक्स अगर एक्स होगा या वन, यक्स ही, यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन हो जाता है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स में लॉग एक्स, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन वन अपान यक्स होता है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ई की पावर यक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर यक्स होता है। डी बाई डी एक्स ए की पावर यक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर यक्स लॉग ई बेस पर ए होता है। क्लियर? ये होता है फार्मूला। वैसे ही डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है। ऐसे ही अगर हम और फार्मूले लिखें तो ये हो जाता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे ही टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। या कि अब हम लोग ये नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखेंगे किसका, इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला यहां से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब यहां से देखिए x की पावर n प्लस वन का जब डिफरेंशिएशन किया गया तो ये आया। अब यहां से अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करें, x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो यही मिलता है x की पावर n प्लस वन। बस ये कांस्टेंट टर्म है n प्लस वन, यहां पर है तो मल्टीप्लाई में है, जब x की पावर n को हम अलग कर देंगे तो ये वाला क्या होगा, बटे में आ जाएगा, बटे में n प्लस वन।
क्लियर मींस डिफरेंशिएशन में जो पावर होती है वो आगे आ जाती, डिफरेंशिएशन में जो पावर होती है आगे आ जाती है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर नीचे चली जाती है। क्लियर। अब यहां पर देखिए, यक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यक्स 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। वैसे ही लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग ई बेस पर एक्स। क्लियर। ऐसे ही जब हम लोग e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x मिल जाएगा। और यहां पर इंटीग्रेशन आप अगर हम a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए, a की पावर x होना चाहिए। बस ये कांस्टेंट टर्म है, ये यहां मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, लॉग e बेस पर a। अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, sin x मिलेगा dx, ये क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। इंटीग्रेशन आप sin x का जब करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस इधर भेज दो और ये क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहां से जब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का होता है sec x tan x, तो sec x tan x का sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, sec x into tan x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलता है sec x। ऐसे ही हम लोग जानते हैं cot x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे, cosec स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस cot x, यहां पर dx भी लिख दीजिए। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो अगर हम cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाता है माइनस cosec x। क्लियर। अब ऐसे ही हम लोग साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√1 - x², तो अगर 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये मिल जाएगा साइन इनवर्स x, और ऐसे ही अगर माइनस में रहेगा तो कॉस इनवर्स x मिल जाएगा, अगर माइनस में कर देंगे 1/√1 - x² dx तो ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। ऐसे ही हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², तो 1/1 + x² का जब हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स x, माइनस में कर देंगे तो कॉट इनवर्स x मिल जाएगा, और sec इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x² - 1, और मींस जब हम 1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, sec इनवर्स x, अगर यही माइनस में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स x। ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के। अब कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7A में हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, और बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे वो आगे की एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। तो आप लोग ये इंटीग्रेशन के सभी फार्मूलों को याद कर लीजिए, उसके बाद आप लोग कल से इंटीग्रेशन लगाना स्टार्ट कर दीजिए एक्सरसाइज 7A से। क्लियर, नोट डाउन कीजिए आप लोग।